बच्चों, मैं आज आपको दो एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं होता है। तो ये वाला हो गया आपका इजी मीम, और इसके बाद ये मीम जनरेटर, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन, ये वाला जो एप्लीकेशन है ये क्या थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टूल्स दिए हुए हैं। चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ मेरे दूसरे एप्लीकेशन पर जो कि इससे ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग इसे खोलते हैं मीम जनरेटर, ठीक है। इस एप्लीकेशन के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, इस पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। इसके ऊपर आप मीम्स बना सकते हो इसको, ठीक है, यानी कि मीम बना सकते हो। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मेमे बोलने का आदत है। हाँ, मैं बकरी चराया करता था इसलिए मुझे मेमे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, ये पॉपुलर में यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना मीम बना सकते हैं। तो मैं कुछ देख लेता हूँ मेरे लायक। हाँ, ये वाला है ना, जैसे मुझे कहना है, ठीक है। मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ एक लाइक कर दो ना, ठीक है। तो ये वैसे ही दिख रही है, बिल्ली बोल रही है कि जैसे एक लाइक कर दो। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा लिखने के लिए, ठीक है, इस टेक्स्ट को सुधारने के लिए। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, प्लीज़ एक लाइक कर दो ना, प्लीज़ एक लाइक कर दो ना। देखिए, मैंने इसको पहले से भी लिख लिया था इसलिए सजेशन में आ जाता है मेरा। हाँ, तो ये हो गया, प्लीज़ एक लाइक कर दो ना, ये देखिए, ठीक है। मैं इसे हटाना चाहूँ तो यार हटा सकता हूँ। ये देखिए, ये क्या करने का, ये घुमाने वाने का, ऐसे घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, छोटा बड़ा करने का है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्लोज कर, यानी क्लोज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, प्लीज़ एक लाइक कर दो ना, इस तरीके से मैं ऐसे बना सकता हूँ। हाँ, मैं इसे चाहूँ तो इसे यहाँ पर ला सकता हूँ इसे, ठीक है। लेकिन चूँकि दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर यहीं पर ही रख देता हूँ मैं। यहाँ से मैं इसका सेटिंग करके अलग अलग टाइप्स के, इसके यहाँ देखिए टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल दिए हुए हैं, है ना। मैं कौन सा वाला चूज़ करूँ, चलिए मैं कोई सा भी कर लेता हूँ, सुपर मारियो को कर लेता हूँ। बचपन में बहुत खेला करता था मैं। आउटलाइन दे सकते हैं, मतलब जो ऊपर आता है ना, ऐसे बाहर में जो लेयर रहता है एक, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बन गया, ये देखिए, ठीक है। फिर से मान लीजिए मुझे सुधारना है इसे, तो फिर इसमें क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा और ये यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए, अब दिखाता हूँ मैं आपको। तीन लाइन का, तो मैं इसे दो लाइन में कर लेता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से अगर मुझे करना है तो इस तरीके से सेंटर में वो लिखा हुआ आएगा, या फिर लोअर केस, यानी कि आप चाहो तो उसे आप लोअर केस में, यानी कि जो स्मॉल लेटर होते हैं ना उसमें लिख सकते हो। ये अपर केस, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, हम कैपिटल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कैपिटल में ही रखूँगा उसे। यहाँ पे टेस्ट का जो चौड़ाई है उसका है परसेंटेज दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। 95 है तो मैं इसे कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कम करूँगा, इसे इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से बन करके आएगा। इसमें बोला जा रहा है प्लीज़ एक लाइक कर दो ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा इसे, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव करने का। यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पर सेव टू डिवाइस दिया हुआ है, इसमें आप कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे इसको कोई आप नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं नाम नहीं दे रहा हूँ अभी, ऐसे इसी नाम से सेव कर लेता हूँ इसको, तो ये सेव हो जाएगा। फिर चलिए मैं इसको मैं सेव कर लेता हूँ कोई भी नाम से, किस नाम से करूँ, मैं अपने नाम से ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ओके कर देंगे। अभी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे उसका पाथवे दिखा रहा है कहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट गैलरी से अपना देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो बना है वो हमारे गैलरी में आया है या नहीं।
तो मैं आपको लेकर चलता हूँ गैलरी में। ये देखिए यहाँ पे आ गया है मेरी गैलरी पे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आ गया है। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे मीम्स बनाए हुए हैं। देखिए 1K कब होगा, ओनली 100 सब्सक्राइबर यहाँ भी है ना। ये भी देखिए, चलो आज एक सब्सक्राइबर मिल गया। दिखा कितना सब्सक्राइबर हुए तेरे। ये देखिए बहुत, क्या बोला, मैं कब बढ़ाऊँगा, तो बहुत जल्द मेरे दोस्त। वीडियो डिसलाइक करते हो तो कम से कम फीडबैक तो दिया करो। हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। यहाँ पे देखिए वीडियो पूरा तो देख लेते, सवाल पे सवाल करते हो। YouTube पे जब मेरा 100 सब्सक्राइबर हुआ था तो मैंने अपना एक्साइटेड वाला, एक जोश वाला एक फ़ोटो डाल के इसको बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए 786 और चाहिए है ना, 1000 सब्सक्राइबर नीड टू लाइव स्ट्रीमिंग के लिए है ना, क्योंकि हमें लाइव स्ट्रीम करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास अभी बहुत ही कम है, तो फिर मैंने ये बनाया हुआ था उस टाइम जब मेरे कम सब्सक्राइबर थे। अब यहाँ पे देखते हैं, लगता है ये भी नहीं करेगा। ये भी क्या बोल, अरे कोई इसका चैनल सब्सक्राइब तो कर दो, ये भी कर लो, तो लगता है ये भी नहीं करेगा बोल रहा है ना। तो ये इस तरीके से आपको मीम बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे दीजिए विदा, मैं चलता हूँ, टाटा।